सुप्रभात बच्चों, मैं बरदानी केरकेट्टा गांधी स्मारक प्लस टू उच्च विद्यालय में संस्कृत विषय की शिक्षिका हूँ। मैं आज आप लोगों को संस्कृत व्याकरण में जो महत्वपूर्ण है, भाषा को सीखने के लिए सबसे जरूरी है उनके वर्णों को जानना। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 9th और 11th के लिए बच्चों के लिए जो सिलेबस में उसको देखेंगे, तो वर्ण के बारे में, तो वर्ण किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा हम लोग देखेंगे कि सार्थक शब्द के सबसे छोटे उस अंश को जिसका कोई सार्थक खंड नहीं किया जा सके वर्ण कहते हैं। इसके अलावा एक परिभाषा यह भी है, वर्ण यते अभि व्यंज यते वा लघुतमो ध्वनि येन सा वर्ण, अर्थात जिसके द्वारा ध्वनि का लघुतम अंश व्यंजित किया जाता है उसे वर्ण कहते हैं। अब यहाँ पर वर्ण जैसे उदाहरण के रूप में है आ आ का खा और बहुत सारे वर्ण हैं, तो यहाँ पर देखिएगा ध्वनि का सबसे लघुतम अंश जिसको खंड नहीं किया जा सकता। जैसे हम लोग अगर आ को खंड करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो संस्कृत व्याकरण में लगभग 48 वर्ण हैं जिसका प्रयोग किया जाता है। इसमें आ आ ई से लेकर औ तक और का से लेके हा तक के वर्ण हैं। इसके अतिरिक्त अनुस्वर और विसर्ग को भी संस्कृत में वर्ण की गिनती में रखा गया है। अब हम लोग ज़्यादा जानते हैं कि यहाँ का खा गा घा बोलने से ज़्यादा समय लगता है, तो इसको हम लोग का से अंगा तक के वर्ण को का वर्ग की गिनती में रखते हैं। चा से चा छा जा झा इया उतना बोलने से ज़्यादा समय लगता है, तो उसको हम लोग चा वर्ग। उसी प्रकार से टा टा के आगे जितने भी 5 वर्ण हैं उनको टा वर्ग, ता से आगे के वर्णों को ता वर्ग, पा पा से लेके मा तक के वर्ण को पा वर्ग की गिनती में रखते हैं। उसके अलावा या र ला वा तालब्य सा मूर्धन्य सा दंत सा और हा, इतने सारे वर्ण संस्कृत के वर्णमाला में हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि वर्ण को 2 भाग में बांटा गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण उसे कहते हैं जिसका कोई जिसको उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, वे स्वतः उच्चरित होते हैं। जैसे है आ आ ई ऊ री ऋ और आ ई ऊ री ए ऐ ओ और औ, ये सब सभी स्वतः ही उच्चरित होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं स्वर वर्ण को भी 2 भाग में बांटा गया है, हर्स्व स्वर वर्ण और दीर्घ स्वर वर्ण। हर्स्व स्वर वर्ण उसको लघु वर्ण भी कहा जाता है, लघु अर्थात कि छोटा छोटा है। इनको उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है, एक मात्रा का ही समय लगता है, जैसे बोलते हैं कि आ। उसी प्रकार से दीर्घ दीर्घ स्वर वर्ण उसे कहते हैं जिसको उच्चारण करने में हर्स्व स्वर से थोड़ा अधिक समय लगता है, इसमें 2 मात्रा का समय लगता है, जैसे आ, इसको थोड़ा सा खींचना पड़ता है। तो जो हर्स्व स्वर वर्ण है उनकी संख्या 5 है, दीर्घ स्वर वर्ण है उनकी संख्या 8 है। अब आगे इसमें देखेंगे स्वर के बाद में व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जिसको उच्चारण करने में स्वर वर्णों की सहायता लेना पड़ता है, वे अपने आप उच्चरित नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ पर है का, जब हम लोग का को उच्चारण करते हैं तो अंत में हम लोग को आ सुनाई पड़ता है, तो इसमें स्वर की मात्रा लगी हुई है। अब व्यंजन वर्ण को भी 4 भाग में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण, ऊष्म व्यंजन वर्ण और आयोग वा। अब स्पर्श व्यंजन वर्ण, स्पर्श व्यंजन वर्ण के अंतर्गत का से लेके मा तक के 25 वर्ण आते हैं, जिसको उच्चारण करने में मुख के अंदर जो जहाँ से वर्ण का उच्चारण होता है वहाँ उन वर्णों के उच्चारण स्थान को जीभ पूर्ण रूप से स्पर्श करती है, इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अंतस्थ व्यंजन वर्ण के अंतर्गत या रा ला और वा, इन 4 वर्ण हैं। इनको जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो मुख की जो वायु है वो अंदर ही ठहरे हुए से लगते हैं, हवा बाहर नहीं निकल पाती है, अंदर होने के कारण इन्हें अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। तीसरा है ऊष्म व्यंजन वर्ण।
उसमें व्यंजन वर्ण में तालव्य सा, मूर्धन सा, दंत सा और हा, इन चार वर्ण आते हैं। इनको जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो मुख से गर्म हवा निकलती है, इसलिए ये गर्म के साथ में उच्चारण होते हैं, जिसके कारण इसे उष्म व्यंजन वर्ण भी कहते हैं। चौथा है आयोग वा। आयोग वा के अंतर्गत यहाँ एक छोटा सा बिंदु दिखाई पड़ रहा है, इसको कहा जाता है अनुस्वर। इसके बाद यहाँ दो बिंदु दिखाई पड़ रहा है, इसे कहा जाता है विसर्ग। ये दोनों भी आयोगवा प्रत्याहार सूत्र में इनका कोई योग नहीं है, लेकिन संस्कृत वर्णमाला की गिनती में ये भी वर्ण माने गए हैं। ये जो अनुस्वर है किसी शब्द के ऊपर में लगते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं अंश, तो ये किसी शब्द के ऊपर में लिखा हुआ होता है। उसी प्रकार ये है विसर्ग। विसर्ग किसी शब्द के बाद में लगाया जाता है, जैसे है महर्षि, तो उसमें बाद में जो लगता है ये विसर्ग। तो दोनों स्पष्ट हो गया यहाँ पर। अब इतना सारा हम लोग देखने के बाद में इसके अलावे भी कुछ वर्ण है, जैसे है अक्षा, त्रा और ज्ञा। ये तीन वर्ण हैं जिन्हें हम लोग संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। संयुक्त का अर्थ है इसमें दो दो व्यंजन के साथ में एक स्वर वर्ण जुड़े हुए। जब अगर हम लोग अक्षा को तोड़ेंगे तो इसके साथ में का प्लस सा प्लस आ, ये तीन वर्ण मिला के ये अक्षा शब्द बना है। वैसे ही त्रा, जब त्रा को तोड़ते हैं तो ता प्लस रा प्लस आ, ये तीन शब्द मिला के यहाँ पर त्रास वर्ण बना है। अब यहाँ पर ज्ञा, ज्ञा में भी वैसे तीन वर्ण है, जा प्लस इया प्लस आ, ये तीन वर्ण को मिला के ज्ञा शब्द वर्ण बना है। अब यहाँ पर देखिएगा हलंत दिया हुआ है, जहाँ जहाँ ये व्यंजन वर्ण है वहाँ पर हलंत की मात्रा लगी हुई है। हलंत का है कि किसी शब्द ये आधा है, इसमें जब स्वर वर्ण जुड़ जाता है तब ये वर्ण पूर्ण हो जाता है, और ये हलंत का जो चिन्ह है ये व्यंजन वर्ण में ही लगाया जाता है। अब इतना देखने के बाद हम लोग देखें कि वर्णों का उच्चारण स्थान, कि वर्ण तो हम लोग बोलते हैं, जितने भी वर्ण बोलते हैं मुँह से ही बोलते हैं, लेकिन मुंह के अंदर भी कई उनके भाग हैं। जैसे हम लोग शरीर, शरीर के भी अलग अलग भाग है, सब भागों को मिलाकर ही शरीर है, तो वैसे ही मुंह के अंदर भी कई भाग हैं जहाँ से हम लोग वर्ण का उच्चारण करते हैं। तो इसका परिभाषा है मुंह के अंदर जिन जिन स्थानों से वर्णों का उच्चारण किया जाता है उन्हें वर्णों का उच्चारण स्थान कहा जाता है। जैसे पहला है कंठ, कंठ से आ आ का वर्ग, का वर्ग के अंतर्गत का खा गा घा और अंगा, ये पांच वर्ण आते हैं, तो उतना लिखने का आवश्यकता नहीं है, केवल हम लोग का वर्ग लिखेंगे तो सब कुछ इसमें आ जाएगा। इसके अलावे हा और विसर्ग, इतने वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है इसलिए इन्हें कंठ्य वर्ण भी कहा जाता है। कंठ्य वर्ण, कंठ से उच्चारण होने के कारण इन्हें कंठ्य वर्ण कहा जाता है। दूसरा है तालु, तालु से ई दीर्घ ई चा वर्ग या और तालव्य सा, इन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है इसलिए इनका उच्चारण स्थान तालु है, और इन्हें तालव्य वर्ण भी कहा जाता है। तालव्य वर्ण, तालु से उच्चारण होने के कारण इन्हें तालव्य वर्ण कहा जाता है। अगला है मूर्धा, मूर्धा से री री टा वर्ग रा और मूर्धन्य सा, इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है इसलिए इन्हें मूर्धा, उच्चारण स्थान उनका मूर्धा है और इनको मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है, मूर्धन्य वर्ण। अगला है दंत, दंत से ली ता वर्ग ला और सा का उच्चारण होता है और इनका उच्चारण स्थान दांत है, इन वर्णों को दंत्य वर्ण कहा जाता है। पांचवा नंबर में है ओष्ठ, ओष्ठ से उ दीर्घ उ और पा वर्ग, इसका उच्चारण होता है इसलिए इन्हें ओष्ठ्य
ओष्ठ्य वर्ण भी कहा जाता है। छठा में है नासिका। नासिका से अंगा, इया, अना, ना और मा के अलावे ये अनुस्वर, इनका उच्चारण नाक से किया जाता है। मुंह से ही उच्चारण होता है लेकिन नाक पर अधिक बल देना पड़ता है, जिसके कारण इन वर्णों को नासिकीय वर्ण, इन वर्णों को नासिकीय वर्ण कहा जाता है। इसके अलावे इन्हें अनुनासिक, जिनका उच्चारण नाक के द्वारा होता है, नाक पर अधिक बल देना पड़ता है, इसलिए इन्हें अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। सातवां है कंठ तालु। कंठ और तालु दोनों से मिला के ए और ए का उच्चारण होता है, इसलिए उनका उच्चारण स्थान कंठ तालु है। आठवां में है कंठोष्ठम। कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओठ से ओ और औ का उच्चारण होता है, दोनों का उच्चारण कंठ और ओष्ठ दोनों को मिला के इन दोनों का उच्चारण होता है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान भी कंठोष्ठ है। नौवा में है दंतोष्ठम। दांत और ओष्ठ, दांत और ओठ से दोनों से मिला के वा का उच्चारण होता है, इसलिए इन्हें दंतोष्ठ वर्ण भी कहा जाता है। तो बच्चों आज हम लोग देखे वर्ण और वर्ण कितने हैं उनके बारे में और वर्णों का उच्चारण स्थान, तो ये सब आप लोग के लिए ज़्यादा जरूरी है। जब तक व्याकरण भाषा में, भाषा के व्याकरण में इन सबों के बारे में नहीं जानिएगा तो आगे में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हम लोग आगे शब्द का निर्माण करना भी सीखेंगे। तो धन्यवाद।